हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड, एंड एग्जाम की प्रिपरेशंस भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है इंडियन एयर फोर्स की तरफ से एफकैट की न्यू वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल जॉब होती है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट होती है। एफकैट का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट। इसके थ्रू आपका विभिन्न प्रकार के पदों के लिए वैकेंसी की जाएगी। देखिए, फ्लाइंग ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, वेपन सिस्टम, एमईटी एंड अकाउंट्स। ओवरऑल पोस्ट की बात करें तो 304 यानी 304 पोस्ट के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इस पोस्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, फ्लाइंग ऑफिसर के लिए 29 पोस्ट रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 54, लॉजिस्टिक का 17, एजुकेशन के लिए 9, वेपन सिस्टम के लिए 17, एमईटी का 10 और अकाउंट्स के लिए 12। ओवरऑल 304 यानी 304 पोस्ट रहेगा। इसका अप्लाई डेट है फ्रेंड्स 30 मई, यानी 30 मई से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 28th of June रहेगा। 28 जून तक इंतजार नहीं करिएगा। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दें ताकि बाद में सर्वर इशू आपको फेस ना करना पड़े। फ्रेंड्स, देखिए, इम्पॉर्टेंट डेट जो होता है ना, एग्ज़ाम का डेट, वो भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। अगस्त के लास्ट से लेके सितंबर में आपका ये पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो तैयारी की स्पीड को बूस्ट करिए, प्रीवियस ईयर की सेट तो जरूर बनाइएगा। फॉर्म फीस के लिए आपका 550 रुपीज यानी 550 रुपया रहेगा सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। एज लिमिट जो है, सबसे पहले जान लेते हैं किस डेट से आपका एज कैलकुलेट होगा। एज ऑन 1st of July 2025 में जुलाई, 1st जुलाई से आपका एज कैलकुलेट होगा। फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए 20 to 24, 20 से 24 साल यानी बॉर्न बिटवीन 2nd of July 2001 to 1st July 2005। जो भी बच्चे 2nd जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है, सभी फ्लाइंग ऑफिसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर पोस्ट के लिए 20 से 26 वर्ष यानी 20 to 26, बॉर्न बिटवीन 2nd जुलाई 1999 टू 1st ऑफ जुलाई 2005 यानी कि 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है, बाकी सभी पोस्ट के लिए वो सब बच्चे एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन की अब बात करते हैं, तो सिंपली जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है विद 60% मार्क्स, कम से कम 60% ग्रेजुएशन में जिन भी कैंडिडेट का है, सभी बच्चे इलिजिबल रहेंगे। रैदर देन जो आपका दो पोस्ट है, फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एनी बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन 12th में आपका फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए विद 50%। अकाउंट्स के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए बैचलर डिग्री विद कॉमर्स, कॉमर्स स्ट्रीम से उनका बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो ही बच्चे अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे बाकी की डिटेल को समझ लेते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, किस किस स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, देखिए, आपका 3 स्टेज ऑफ सेलेक्शन होगा। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CBT, कंप्यूटर आधारित परीक्षा को पास करनी होगी। उसके बाद आपका AFSB टेस्ट होता है, एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपका टेस्ट होता है, जिसमें इंटरव्यू एंड काफ़ी सारे ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारे फेज है। ये आपको डिटेल में ना नोटिफिकेशन में मिलेगा, उसको आप थॉरो आउट अच्छे से रीड करेंगे। थर्ड स्टेज पर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको ऑल ओवर इंडिया में सर्व करने का मौका मिलेगा एज एन ऑफिसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज पर जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें क्या सब पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे फॉर 300 मार्क्स, पर क्वेश्चन मिलेंगे 3 मार्क्स, टाइम 2 आवर्स यानी 2 घंटे की एग्जाम होगी और निगेटिव मार्किंग 1 रहने वाला है। अब सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूँ ना, तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चन फॉर 90 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन फॉर 75 मार्क्स, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस विल बी फॉर 75 मार्क्स।
न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के लिए। और फ्रेंड्स आपको पता है कि एयरफोर्स की जॉब है तो फिजिकल में यहाँ पर थोड़ा बहुत फिजिकल तो होगा ही, जिसमें आपका हाइट मेजरमेंट बस किया जाएगा। हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 मतलब 157.5 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर के लिए मेल का 162.5 सेंटीमीटर होगा, फीमेल्स का ऑल पोस्ट के लिए 152 सेंटीमीटर होंगे। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेज का जो भी क्राइटेरिया था। सेकेंड स्टेज पर AFSB टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, तब आप ज्वाइन करोगे। तो आपको जब ज्वाइन करोगे ना तो ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी होती है 56,100, बाद में सैलरी बढ़ते बढ़ते आपकी 210,000 के तकरीबन पहुँच जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसको मिस ना करें, एक सीट अपने आप अचीव कर ले। आई होप कि इस पोस्ट के बारे में आप सारा कुछ डिटेल में समझ होंगे। अब भी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।